इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। आप लोगों के चेहरे से देख करके लग रहा है कि कौन से दो, एक ही का सुना था। हम लौटते समय युगमंदर स्वामी के भी करके आए थे क्या? रास्ते में तो थे युगमंदर स्वामी भी, तो युगमंदर के भी कराए होंगे। बोले नहीं नहीं, एक तो साक्षात सीमंदर भगवान के, एक तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के, और दूसरे साक्षात अपने अपने साक्षात चैतन्य परमात्मा के, एक एक सीमंदर नाथ के और एक अनादि नाथ के, दो दो परमात्माओं के जिन्होंने दर्शन किए। विदेश क्षेत्र दर्शन करने के लिए गए, कुछ विकल्प आया होगा, जो कुछ भी रहा होगा। कुछ ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि इन्हें चारण रिद्धि प्रकट थी। रिद्धियों का प्रयोग थोड़ी ना करते हैं, जानबूझकर तो करते नहीं है। तो ऐसा भी मिलता है कि कोई दो मुनिराजों को वहां विदेश क्षेत्र में चर्चा चली और वे चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। वे आए और उन्होंने बताया कि आपको चारण रिद्धि उपलब्ध है, आप जा सकते हैं, चल सकते हैं। वे साथ में लेकर के चले गए। मार्ग किसे पता, विदेश क्षेत्र कहाँ आएगा, किधर आएगा, कौन सी नगरी कहाँ जाए, रास्ता भी तो पता नहीं है। कोई देवगति के ले गए हों, कोई पूर्व के मित्र ले गए हों, जो कुछ भी रहा हो विदेश क्षेत्र चले गए। और आपको पता है विदेश क्षेत्र में जो जीव होते हैं, जो लोग होते हैं, सबकी आयु ऊंचाई होती है 500 धनुष की। अब 500 धनुष की ऊंचाई वाले लोग विदेश क्षेत्र में, और कुंद कुंदाचार्य देव कितने धनुष की ऊंचाई वाले, बोले एक धनुष भी नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने एक धनुष होता है लगभग 6 फीट का, तो लगभग 6 फीट से कम, 6 फीट के आसपास की हाइट मान लो कुंद कुंदाचार्य देव की। अब आप सोच लो कहां तो कुंद कुंदाचार्य देव की 6 फीट की हाइट, और कहां 500 धनुष माने 3000 फीट की हाइट वाले लोग विदेश क्षेत्र में। अब 3000 फीट की हाइट वाले और ये 6 फीट की हाइट वाले तो कैसे होंगे? मैंने 5-6 फीट के तो विदेश क्षेत्र के अंदर चींटियां मच्छर वगैरह घूमते होंगे। नहीं, सच बात है ऐसी। इतने छोटे छोटे ऐसे ऐसे जीव वहां होते होंगे, कैसे होते होंगे? सब उसी आकार प्रमाण तो होते हैं, क्योंकि जब कभी ऋषभ देव स्वामी की चर्चा करते हैं तो डायनासोर उस जमाने की छिपकलियां जैसी दिखती है, ऐसा लगता है। ऋषभ देव भी 500 धनुष की हाइट वाले थे। 500 धनुष का एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है 820 मीटर, 1.25 किलोमीटर से ऊपर की हाइट हो गई, सोच लो आप। तो 1.25 किलोमीटर की हाइट, अब कहां 1.25 किलोमीटर की हाइट, 1.25 किलोमीटर से ज्यादा लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की हाइट, और कहां अपनी जैसी हाइट वाले कुंद कुंद स्वामी। तो चर्चा चल गई वहां, इन्होंने वंदन किया, वहां से आशीर्वाद आया सीमंदर स्वामी का। वहां का जो चक्रवर्ती था, उस चक्रवर्ती ने अपने हाथ पर उठा लिया देख करके, क्योंकि चक्रवर्ती ने ले लिया इनको, चक्रवर्ती ने ले लिया कि किसी मुनिराज ने ले लिया, ऐसा समझ लो आप। क्योंकि चक्रवर्ती ने तो नहीं लिया होगा, ये बात तो मुझे थोड़ी कम जचती है। उसका कारण ये है कि चक्रवर्ती तो मनुष्यों के कोठे में बैठा होगा और ये मुनिराजों के कोठे में बैठे होंगे, ऐसा ही होगा ना, 12 सभाओं में से सब। फिर भी समझ लो आप चक्रवर्ती ने कि उन्होंने कि बाहर निकलते समय के कुछ भी उन्होंने ऐसा छोटा सा जीव समझ करके इनको हाथ में ले लिया, जो कुछ भी रहा हो, और सीमंदर भगवान से पूछा कि ये कौन है। बोले तो भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं, जिनके नाम से दिगंबरत्व की पहचान होगी, जिनके आधार पर दिगंबर धर्म का प्रवर्तन होगा, ऐसे महान समर्थ आचार्य हैं। ये चर्चा वहां उसने चक्रवर्ती ने सुनी। अब जब सुनी, अब नाम भी बताया था सीमंदर स्वामी ने कि कुंद कुंद नाम है, पद्मनंदी नाम है, अब थोड़ी देर में नाम तो भूल गया। बोले वो कहाँ गए, वो अभी तो यहीं थे, अभी तो यहीं थे, वे कैसे होंगे, कहाँ होंगे वो आचार्य? बोले कौन 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 आचार्य? अरे वो नाम क्या था पता नहीं, अरे वो जो इलायची जैसे आचार्य इस रूप में, हाँ उनके इलायची, और क्या उस जमाने की, के आज भी वहां इलायची इतनी बड़ी बड़ी होती होगी क्या? आज भी विदेश क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी ही इलायचियां हैं। तो इलायची जैसे आचार्य कहकर के उन्हें पुकारा, और एलाचार्य 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 इस नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। एलाचार्य, लोग उन्हें एलाचार्य के नाम से ही पुकारने लगे। इस तरह से वे कुंद कुंदाचार्य 8 दिन रहे वहां, सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और निराहार रहे 8 दिन तक। क्यों रहे निराहार, कैसे रहते?
आर कैसे लेते ये बता दो मेरे को, आर कैसे लेते ये आप थोड़ा सा बतला दो, प्रैक्टिकल बतला दो। एक तो सबसे बड़ा तर्क यह है कि यहां जो भरत क्षेत्र के आधार पर उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी और वहां उस समय रात होती है, जिस समय भरत क्षेत्र में दिन होता है तब वहां रात होती है और जब वहां दिन होता है तो भरत क्षेत्र में रात होती है। तो अपने क्षेत्र की जो प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने उसका निर्वाह परदेश में जाकर के भी किया, एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है हाथ पर बैठे हुए, अब उनको कैसे तो उनका हाथ और कैसे अंजलि बांधेंगे और कैसे उनको देंगे और कितना बड़ा उनका तो ग्रास इतना बड़ा होगा कि एक ग्रास के अंदर ये तो सब दब जाएं। माने प्रैक्टिकली यदि अपन उसको सोचें तो वो चीज बनती ही नहीं है। इसलिए 8 दिनों तक वे निराहारी रहे, लौट करके आए और यहां आकर के उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की, जो साहित्य साधना की, आज सच में ये महान महान उपकार है हम जैसे जीवों के ऊपर। माने भेद विज्ञान की चर्चाएं, अकर्तावाद की चर्चाएं तो अद्भुत है ही, अरे समय सार ग्रंथ का जो बंध अधिकार है यदि उसे उठा करके देखें तो पता लगता है कुंद कुंदाचार्य देव ने कर्म सिद्धांत के आधार पर अकर्तापन को सिद्ध किया है। आज सारी दुनिया दया दया में धर्म मान करके बैठी है, दया में धर्म है, दया में धर्म है, दया करो भाई साहब, जीवों की रक्षा करो, जीवों को बचाओ। और कुंद कुंदाचार्य देव ये कहते हैं, निजायु क्षय से मरण हो यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, सब आयु से जीवित रहे यह बात जिन वर ने कही, कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। बचा लिया साहब, इन्होंने बचा लिया, इन्होंने मार दिया और इन्होंने बचा लिया। कि पहले एक बात बतलाओ, कोई भी व्यक्ति अपने आयु कर्म से जिंदा रहता है या बिना आयु के? कि साहब आयु से जिंदा रहता है तो फिर बचा लिया का क्या मतलब है? ये बचा लिया का क्या मतलब है कि नहीं साहब बचा लिया, साहब बचा लिया? अरे बचा सकता ही नहीं है, बचा सकता ही नहीं है। दादा ने अशरण भावना के अंदर बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, अशरण भावना में कुछ भी कहो व्यवहार में, तुम्हें व्यवहार में कहना है तो कह दो यार, क्या कहें हम। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा, सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो, कुछ भी कह दो ना, क्या हो गया, बात तो सच्ची यही है भाई साहब। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। निजायु क्षय से मरण हो, सब आयु से जीवित रहे, अब न बचाने का कहीं अवसर है न मारने का कहीं चांस है। सामने वाला कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा, क्या मार दे भाई, मार दे, क्या कितनी दृढ़ता चाहिए बतलाओ, सर्वज्ञता का विश्वास हो। अभिनंदन जी भाई साहब याद आते पहला बोल, सर्वज्ञता का विश्वास है क्या? विश्वास यदि सर्वज्ञता का है, यदि आचार्य देव की इन गाथाओं पर हमें भरोसा है तो फिर असली महिमा आती है कुंद कुंदाचार्य देव की। वहां से लौट करके उन्होंने कहते प्रवचन सार ग्रंथ लिखा, जो भी लिखा हो, प्रवचन सार लिखा के समय सार लिखा, जो भी ग्रंथ उनके माध्यम से लिखे गए, कितने नाम हो गए भाई साहब यहाँ, कुंद कुंद से पद्मनंदी तक आ तो गए अपन पांचों, किन्हें गृद्ध पीछे रह गया। विदेश क्षेत्र से लौटते समय उनके हाथ से कहीं पीछे छूट गई, गिर गई, क्षेत्री बहुत लंबा है, यहां से विदेश क्षेत्र को मैं कैलकुलेट करके नहीं बतला सकता आपको, इतना लंबा है। माने भारत क्षेत्र से 32 गुना ज्यादा बड़ा दूरी है, 64 गुना ज्यादा आएगा भारत क्षेत्र से। और भारत क्षेत्र 526 योजन का है और अपनी दुनिया 2 योजन में है,
अपनी दुनिया दो योजन में है और जहां सिमंदर भगवान मौजूद हैं वो लगभग लगभग 50,000 योजन की दूरी पर है। दो योजन में दुनिया और सिमंदर भगवान 50,000 योजन की दूरी पर। अब कल्पना करो इस दुनिया को 50,000 बार 25,000 बार दुनिया को पार करे तब जाकर के पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे? देखिए इतनी दूरी तक तो रिद्धियों के माध्यम से होता है भाई साहब सारा कार्य। मैंने बिना रिद्धियों के कोई जाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जितने रिद्धिधारी हो सकते हैं वे सब ढाई द्वीप के जनालयों की वंदना भी करते हैं, अपन कर रहे हैं विधान के माध्यम से कर रहे हैं, रिद्धियों के माध्यम से वंदना भी करते हैं। देवगति के जीव क्षण मात्र में कहीं से भी कहीं पहुंच जाते हैं, तो पूर्व भव के मित्र देव ले गए हों या रिद्धियों के माध्यम से वे गमन करके चले गए हों, वापस लौट करके आते समय कहीं हो सकता है बहुत तेज स्पीड थी, हाथ से कहीं छूट गई निकल गई, तो फिर उन्होंने मार्ग में गिद्ध पीछी से कार्य चलाया काम चलाया और गिद्ध पिच्छ के नाम से वे जाने जाने लगे। लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव का भी नाम गिद्ध पिच्छ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके समय में सेलापुर तामिल ग्राम जो दक्षिण प्रांत में है वह विद्या का केंद्र था, माने उस समय भी विद्या के बहुत विशाल केंद्र हुआ करते थे। नालंदा जैसे अपने तो नालंदा का ही नाम सुना है, ये यहाँ कह रहे हैं वहां पर ही आपने कुरल नाम का ग्रंथ बनाया था। कुरल काव्य तो बहुत प्रसिद्ध है लेकिन ये वो नहीं होगा, कोई दूसरा होगा कुरल नाम का, वही है हो सकता है। हमारे जम्बू जी धवल है वहां तमिल में एक अच्छे विद्वान है, हमारे शास्त्री विद्वान, वे कहते हैं कि ये वही है ये कुरल जो कुंद कुंदाचार्य देव का लिखा हुआ है। बहुत फेमस ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, कुरल नाम का ग्रंथ बनाया था। उसमें सांप्रदायिक विषय न देकर ऐसा आध्यात्मिक विषय लिखा जिससे वह ग्रंथ उस देश में अभी तक वेद की तरह पूजा जाता है और उसे पांचवा वेद कहते हैं उस कुरल को। आज भी वहां तमिल, अपन तो तमिल से बिल्कुल अछूते हैं, तमिल से अपना क्या संपर्क, क्या लेना देना, ये तो अपने कुछ विद्यार्थी वहां हैं इसलिए थोड़ा बहुत अपना संपर्क दिखता है पीयूष जी, नहीं तो अपने क्या लेना देना तमिल से बताओ, न वहां की भाषा न वो क्षेत्र न वहां जान आन, बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर। अपन वहां जाए तो वो अपनी भाषा नहीं समझे न उनकी भाषा अपन समझे, कोई तालमेल नहीं। क्षेत्रों पर भी चले जाओ, ये तो हमारे दो एक विद्वान थे साथ में हमारे जिन कुमार जी जैसे, जिन कुमार अशोक, ये दो तीन विद्वान थे जिनकी वजह से तमिलनाडु के ऐसे क्षेत्रों की वंदना की फेडरेशन के माध्यम से 2017-18 में शायद, ऐसे क्षेत्रों की वंदना की जहां आप यदि अकेले जाओ तो जा ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हो आप। हमारे एसपी वारिल जी पीयूष जी वगैरह टूर लगा करके आए पायलट टूर, तो बताते हैं क्या स्थिति थी कैसे, साथ में यदि तमिल जानने वाला नहीं हो तो कौन किससे बात करे। अब वहां ये कुरल नाम का ग्रंथ कितना प्रसिद्ध है उस क्षेत्र में और पूजा जाता है उसे वहां उस क्षेत्र में। देखिए सांप्रदायिक विषय न देकर के ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप यदि सांप्रदायिक विद्वेष से उठकर के आत्म तत्व की चर्चा करेंगे तो आपकी बातें अपने आप ही कुछ अद्भुत होगी। और वास्तव में आत्मा तो सभी है ना, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जैन हो चाहे अजैन हो, दुनिया का कोई भी जीव क्यों नहीं, आत्मा तो है ना, आत्मा की चर्चा किसको पसंद नहीं आएगी। मैं यदि विवेक जी की चर्चा करता हूं तो विवेक जी को पसंद आएगी, और दीपक की चर्चा करता हूं तो दीपक को पसंद आएगी, मतलब प्रतीक की चर्चा करूं तो अकेले प्रतीक को ही पसंद आएगी, बाकी सब यार आज तो पूरा प्रवचन ही प्रतीक के ऊपर कर दिया, तो कोई बात नहीं तो क्या हो। लेकिन यदि मैं आत्मा की चर्चा करूं तो जो जो आत्मा है सबको पसंद आएगी कि नहीं, तो कुंद कुंदाचार्य देव ने अपने ग्रंथों में आत्मा की चर्चा की, और आत्मा की चर्चा की इसका मतलब ये जीव मात्र के लिए बात हो गई। आध्यात्मिक बातें इनके ग्रंथों के अंदर मिलती है। कुरल भी एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसे वहां वेद की तरह पूजा जाता है। देखिए आप प्राकृत भाषा के अद्वितीय विद्वान थे, आपने जो भी ग्रंथ बनाए हैं उनमें निवृत्ति मार्ग का बाहुल्य देखा जाता है। यदि यह भी कह दिया जाए तो बन सकता है कि वे निवृत्ति मार्ग के ही हैं। आपके सब ग्रंथ प्रामाणिक हैं और बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं, माने ये कुंद कुंदाचार्य देव की प्रतिष्ठा बड़ी अद्भुत है, माने उनकी प्रतिष्ठा से समझ लीजिए अपन लोगों की सबकी प्रतिष्ठा है कुंद कुंदाचार्य देव से, अपनी प्रतिष्ठा माने जैन धर्म की, दिगंबर जैन धर्म की, सच्चे धर्म की। इनके कहते हैं इतिहास में ऐसी घटनाएं मिलती है, माने कौन सा धर्म प्राचीन है
ये एक विवाद खड़ा हो गया तो कुंद कुंदाचार्य देव ने पाषाण की मूर्ति से ये कहलवाया कि दिगंबर धर्म प्राचीन है। देवी प्रकट होकर के देवी ने गिरनार की घटना बतलाते हैं, ऐसी लिखी हुई मिल जाएगी आपको, दादा की प्रस्तावना में मिल जाएगी, समय सार वगैरह की प्रस्तावना में, प्रवचन सार की प्रस्तावना में उल्लेख मिल जाएंगे इस तरह के। खैर देखिए 634 वर्ष व्यतीत होने पर विक्रम संवत 84 माने विक्रमादित्य से विक्रम संवत चालू हुआ, अब तक चल रहा था वीर निर्वाण संवत, वो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से चला, वहां से धरसेन नाम के गणी हुए आप उज्जैन नगरी के पास चंद्र गुफा में विराजमान थे। ये उज्जैनी के पास लिखा है, अपन गिरनार के आसपास सुनते रहे हैं, जो भी हो वहां पर आपको रात्रि में ऐसा स्वप्न हुआ कि तुम्हारी आयु थोड़ी रह गई है। धरसेनाचार्य को स्वप्न आया इस तरह का कि आयु थोड़ी रह गई है तथा श्रुत का विच्छेद होने वाला है, आपको क्षीण अंग का ज्ञान था। धरसेनाचार्य पूरे अंग का नहीं, क्षीण अंग का माने वो पूरे अंग से भी कुछ ना कुछ छिन्न भिन्न हो गया, ऐसा कुछ ज्ञान आपको था और 19 वर्ष तक आपको क्षीण अंग का ज्ञान रहा। ये 33 नंबर दिख रहा है आपको, ये 32 से जुड़ेगा, पीछे जो आचार्यों की परंपरा दे रहे थे ना अपन, उस परंपरा में 33 नंबर पर धरसेनाचार्य का नाम यहाँ लिखा है। योग अब तक आ गया है 653 वर्ष और 19 वर्ष धरसेनाचार्य का काल आ गया, माने पिछला योग 653 वर्ष और ये 19 वर्ष और जुड़ जाएंगे। फिर स्वप्न के परिणाम स्वरूप अपनी आयु के साथ श्रुत का विच्छेद जानकर आपने दक्षिण देश से वेणाक तटपुर नामक स्थान से मुनि संघ में से दो मुनियों को बुलाकर पढ़ाया। हम सब जानते हैं अरहत बलि आचार्य के निर्देशन में वहां युग प्रतिक्रमण चल रहा था, हजारों साधु वहां उपस्थित थे और उन हजारों साधुओं में से जब इन्होंने संदेश भेजा धरसेनाचार्य देव ने, तो दो महान बुद्धि के धारक दो मुनिराजों को उन्होंने वहां से इनके पास में भेजा। उनके नाम थे, एक का नाम नरवाहन और दूसरे का नाम सुबुद्धि। नरवाहन और सुबुद्धि नाम थे दोनों मुनिराजों के, और बाद में उन्हें पढ़ाया और पढ़ाने के बाद फिर वही सब परीक्षा का प्रसंग और वो सब आप लोगों के ध्यान में है, श्रुत पंचमी वाली जो अपन कथा कहानी आपने सुनी रखी है वर्षों से, रिपीट करने की कुछ यहाँ अपेक्षा नहीं लगती है उसे, लेकिन बुलवाया और फिर उन्हें मंत्र वगैरह दिया, उनका फिर नामकरण किया, पुनर्नामकरण किया, पुरानी पहचान सब नरवाहन सुबुद्धि के रूप में विस्मृत हो गई और पुष्पदंत और भूतबली उनका नाम रखा गया। जिस संघ में से उल्लिखित मुनियों को बुलवाया गया था उसी संघ के निमित्त ज्ञान वेत्ता भद्रबाहु मुनि थे, भद्रबाहु मुनि भी निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे, ऐसा एक आचार्य पट्टावली से पता चला है। दूसरी पट्टावली में धरसेन गणी के पश्चात वीर निर्वाण संवत 665 विक्रम संवत 115 में भद्रबाहु स्वामी निमित्त ज्ञानी इसी मालवा देश में हुए हैं ऐसा बताया गया है। वास्तव में क्या है ये तो पीयूष जी, सिर्फ 2000 साल के इतिहास में ये है? 2000 क्या, हम तो जब टोडरमल जी की चर्चा करते हैं तो सोचते हैं 250 के अंदर नहीं मिल रहा है। बोलो आज टोडरमल जी के हुए 300वां जन्म वर्ष मना रहे हैं अपन, और 300वें जन्म वर्ष में हमें टोडरमल जी की जन्म डेट पता नहीं है, उनकी मृत्यु की डेट पता नहीं है। मतलब अपन लोगों को तो कहां से पता होगी, दादा ने पीएचडी की उसके ऊपर, शोध किया और उसके बावजूद भी लिखा कि 1823 या 1824 के आसपास कार्तिक वद पंचमी के दिन होना चाहिए ऐसा, ये संभावना व्यक्त है। ये तो 250 साल के अंदर हमारी ये दशा है, 2000 साल का इतिहास निकालना कितना कठिन काम है, कहां से ताड़ पत्रों पर क्या कौन लिखे, कहां से था, क्या होता, क्या मिलता, जो भी मिल रहा है वो सब चल रहा है ऐसा ही अपन। अब जो क्या होता है, एक परंपरा में एक विद्वान ने किसी बात को दृढ़ता से कह दिया तो फिर उसके परवर्ती सभी विद्वान उसको फॉलो करने लग जाते, फिर वही बात हो जाती। मैं आपको बतलाऊं, सूर्य सागर जी महाराज साहब ने पीछे भगवान महावीर स्वामी को भी 2500 वर्ष हुए हैं इस बात को प्रमाणता से माना नहीं है, 70 साल पहले लिखा ग्रंथ है।
अब तो अपन मना रहे वीर निर्माण संवत कितना चल रहा है, क्या 2548 आ गया, ये हो गया 2547 निकल गया, 2549 आ गया, इतने वर्ष हो गए, 2600 वर्ष हो गए, क्या अब तो इस्टेब्लिश हो गई वो चीज, इस्टेब्लिश कर दिया अपन ने उसको, और हर बार उसमें एक एक साल बढ़ाते चलते हैं तो परमानेंट हो गई। लेकिन शायद 70 साल पहले उन्होंने सिद्ध किया है ये कि जो प्रमाण मिल रहे हैं, धवला के प्रमाण मिल रहे हैं, ये संग हुए, वो संग हुए, ऐसा हुआ, इस तरह से यवनों का आना हुआ, और फिर उसके बाद ये हुए और उस समय ये हुए, उन सारी बातों के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि ऐसा नहीं है कि पंचम काल को 2500 वर्षीय हुए हूं, ऐसा लिखा है इन्होंने। अब ये तो सब ठीक है, तो शोध खोज करने वाले इतिहासकारों की चर्चाएं हैं, अपने को तो उलझना नहीं है, अपने को तो यही मान करके चलो कि इतना हो गया है, अब जो चल रहा है सो चल रहा है, अपना अपना क्या बिगड़ रहा है उसमें। अब देखो आगे लिखते हैं, ये कहां तक आ गए अपन, ये निमित्त ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञान वेत्ता, कल करूंगा विस्तार से चर्चा आप लोगों के बीच में, कल निमित्त ज्ञान की चर्चा भी करूंगा, जाति स्मरण की चर्चा करूंगा, अवधि ज्ञान की चर्चा करूंगा, ज्योतिष ज्ञान की चर्चा करूंगा, सारे भविष्य संबंधी जितनी बातें आपको लगती है सारे ज्ञानों की चर्चा कल घूम फिर करके आने वाली है, क्योंकि आगे हम पहुंच रहे हैं कहां तक, माने निमित्त ज्ञान तक। देखो दूसरी पट्टावली की हो गई है, भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी मालवा देश में हुए ऐसा बताया गया। जब श्री धरसेनाचार्य पुष्प दंत और भूतवली को पढ़ाने के कारण दक्षिण देश चले गए, तब इस देश में भद्रबाहु स्वामी निमित्त ज्ञानी रहे, इस प्रकार का कथन है, माने निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी रहे। फिर 34 नंबर पर श्री पुष्प दंत और भूतबली ये भी क्षीण अंगधारी हुए, और 30 वर्ष का इनका काल आया, तो पिछले में 30 जोड़ने पर 683-665 था, किंतु वीर निर्वाण संवत 665 में श्री धरसेनाचार्य का समाधि मरण हो चुका था। 665 वीर निर्वाण संवत में श्री धरसेन के शिष्य पुष्पदंत भूतबली तथा भद्रबाहु मौजूद थे, जिस समय अष्ट प्रकार निमित्त ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी मालव देश में विद्यमान थे, उस समय मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्य था। अब ये इससे भी देखो संगति बैठ नहीं रही है, वास्तव में यदि इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना और शोध खोज करो तो संगति बैठती नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का काल अपने भारतीय इतिहास की दृष्टि से ईसा पूर्व 324 है, माने जब उनका राज्याभिषेक हुआ था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि हिस्ट्री से एमए किया मैंने, तो उसमें वो ईसा पूर्व 324 का काल था, और उस समय हुए तो बैठता ही नहीं, ईसा पूर्व 324 माने 2300 साल पुरानी बात हो गई है, 2000 साल पुरानी चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैच जैसा दिखाई देता है, लेकिन क्या करें हमारे पास में कोई अवसर नहीं है। 35 नंबर पर भद्रबाहु के समय वीर निर्माण संवत 665 तथा विक्रम संवत 115 में जैनों में दूसरी शाखा अर्धपालक निकली, ऐसा दर्शन सार शास्त्र में लेख मिलता है। और अब यहाँ अवसर आ गया है, सामने दिखाई दे रहा है 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान का। ये क्या होता है निमित्त ज्ञान, किसे निमित्त ज्ञान कहें, निमित्तों के आधार पर कैसा ज्ञान हो जाता है, ये निमित्त ज्ञानी है, ये ज्योतिषी है, ये अवधि ज्ञानी नहीं, इनको जाति स्मरण ज्ञान है, ये कौन से ज्ञान है, किस प्रकार के उनके भेद प्रभेद हैं, और किस प्रकार ये ज्ञान काम करते हैं, और इनके आधार पर किस तरह वस्तु की व्यवस्था क्रमबद्ध सिद्ध होती है, ये सब प्रकरण हम कल की चर्चा में आगे चलाएंगे, अभी की बात को यही विराम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।